सो गाइज, इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस ईमेल मार्केटिंग सीरीज हम लोगों ने बात की कि कैसे ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस काम करता है। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने सिंगल पेज ईमेल ऑप्टिंग की जो सेटअप होता है, जो वेबसाइट होता है, या सिंगल पेज वेबसाइट भी लोग जिसको बोलते हैं, उस चीज को हम लोगों ने जाना कि कैसे सेटअप किया जाता है। अब इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये लास्ट पार्ट है, जिसमें कैसे आप कैंपेन सेट कर सकते हो और कैसे जो आपका सिंगल पेज ओटीपी आपने बनाया था, ओटीपी इन बनाया था, उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो अपने ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर से। एक चीज मैं फिर से याद दिला दूं, ईमेल मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ एवरी कंपनी जो डिजिटल में परफॉर्म कर रही है, बिकॉज ईमेल के बिना आप डिजिटल में परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ये बैकबोन है हर कंपनी की, जो भी हो, चाहे आप एफिलिएट करते हो, चाहे आप कुछ भी फ्रीलांसिंग करो, आपको जरूरत है, मतलब ईमेल मार्केटिंग की जरूरत है। तो बेसिक नीड है, इसलिए मैं इसका सीरीज स्टार्ट किया और ये थर्ड है, और यही तीन जो आपको वीडियोस मैंने दी है बैक टू बैक, ये तीसरी वीडियो है। यही वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ईमेल मार्केटिंग में बहुत 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 बेसिक है, फाउंडेशन है, और आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइनस टीए एंड लेट्स गो। जाने से पहले बता दूं कि अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा कंटेंट देना, अभी अभी मतलब कि 2-3 महीने हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट दे रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, अलग अलग डिफरेंट चीजें लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे मस्त मुझे फॉलो करें एंड वहां पर भी सीखें नई नई टेक्निक, नई नई स्किल्स, राइट। और अगर चैनल पे नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अगर पुराने मेहमान है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज अब हम लोगों को जल्द से जल्द 20K हिट करना है। तो गाइज प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो। लेट्स गो। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये बनाया था जो आपको सामने दिख रहा है, इसी को बोलते हैं सिंगल पेज वेबसाइट, या आप बोल सकते हो ईमेल ओटीपी इन, राइट। तो गाइज, अगर आप अभी ये थर्ड वीडियो देख रहे हो तो आपको ये और ये दो वीडियो जाके चैनल पे देखनी पड़ेगी, वीडियो सेक्शन में जाओ और ये दोनों को जरूर चेक करो, तभी आपको ये तीसरा पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी कर रहे हो आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जिसका नाम है बिल्डरल, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड रजिस्टर और इसका यूज करो, राइट। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग यूज कर रहे थे, चीटा ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर, तो इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा सो ये यहाँ पर खुल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसको एडिट करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और ये ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोगों को आज एडिट करना है, पहले हम लोगों ने ये पूरा इसका तैयार किया था कि कैसे लोग यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, अपना ईमेल डालेंगे एंड देन क्लिक करेंगे तो उनको उसका जो भी आप देना चाहते हो ईबुक एंड ऑल वो उनको मिल जाएगा, राइट। आपको लास्ट दो जो पार्ट है इसके वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज हमको ईमेल के साथ इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो फिर से वापस चलते हैं बिल्डर के होम पेज पे, और ये देखो ये है अपना ईमेल सॉफ्टवेयर मेलिंग बॉस, ठीक है। यहाँ से अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकते हो, जैसे एंटर पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट में जैसे क्लिक करना है तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कैंपेन है, 100+ से ज्यादा कैंपेन है। यहाँ पर एक नया कैंपेन और मैं स्टार्ट करूंगा अभी आपको दिखाने के लिए कि कैसे पूरा सेटअप किया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्रिएट ए न्यू लिस्ट पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या दे रहे हैं लोगों को, फेसबुक का एक कोर्स दे रहे हैं, फेसबुक का ईबुक दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम रख देते हैं फेसबुक ईबुक, ओके, फेसबुक ईबुक को सही कर देते हैं थोड़ा, फेसबुक ईबुक, ठीक है। और डिस्प्ले नेम में भी हम लोग डाल देंगे फेसबुक ईबुक सेम टू सेम, एंड यहाँ पर भी हम लोग डाल देंगे, जरूरत नहीं है डालने की वैसे। और इसको हम लोग करेंगे सिंगल ओटीपी, सिंगल ओटीपी, राइट, आउट इन, या उसको करेंगे अपन डबल ओटीपी। तो ये हो गया एंड नाउ अब अपन करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हम बोल रहा है कि आपको भाई अगर सिंगल ओटीपी करना है तो आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूँ कि मुझे सिंगल ओटीपी करना है, बिकॉज मैं एक लोगों को बस कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, ये कंपनी को मुझे बताना पड़ेगा। सिंगल ओटीपी मतलब कि आपको कंफर्म नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप जिसको भी ईमेल भेजोगे आपके ईमेल को वो बंदा कंफर्म करे या ना करे, आप उसके इनबॉक्स तक, उसके जीमेल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट भेजा वो एक्सेप्ट हो गई है, मुझे ईमेल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ कौन कौन से फील्ड आपको रखने हैं वो चीज यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो कस्टम फील्ड में यहाँ पर सिर्फ अभी बोल रहा है क्रिएट ईमेल फील्ड, हम लोगों को दो फील्ड रखना है तो मैं क्रिएट फर्स्ट नेम फील्ड भी यहाँ पर ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऑर्डर पूछ रहा है कि कौन कौन से ऑर्डर में आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऑर्डर बताना पड़ेगा, तो लेट मी टेल द ऑर्डर फर्स्ट,
ये रहेगा अपना फर्स्ट नंबर पे। और फिर मैंने एक और फील्ड डाल दिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नेम फील्ड डाल दिया है, मतलब फर्स्ट नेम फील्ड, और यहाँ पर डाल दिया मैंने आपका ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम भी पूरा लिख सकते हो आप चाहो तो, जैसे कि FIRC फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम हो जाएगा लेबल में, और टैक्स में आपको डालना पड़ेगा एफ नेम, कोड होता है फर्स्ट नेम का, तो एफ नेम आपको डालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ईमेल का, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो 0 रहेगा, और इसका जो ऑर्डर रहेगा 1 रहेगा। एंड सेव एंड चेंज, ओके। सेव एंड चेंज में जैसे क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। अभी हम लोग क्या लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो लिस्ट जो है वो आपकी टोटली क्रिएट हो चुकी है, यू कैन सी हियर नाउ। आप चेक कर सकते हो लिस्ट में जाके, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड गो टू द लिस्ट। एंड यहाँ पर देखो आपका फेसबुक ई बुक का जो है वो लिस्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर होने के बाद आपको सीधा चलना है यहाँ पर जहां हम लोग इसको एडिट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा इजी है, बस इस पे 2 बार क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो सेटिंग पे, सेट लिस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। सेट लिस्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके जो भी लिस्ट है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। एंड आपको क्या करना है, आपको अपना जो फ्री ईबुक का लिस्ट है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला देखो दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और सेव में सेलेक्ट करना है, और सेव में ऐसे क्लिक कर देना है। सेव में जैसे क्लिक करोगे तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार फर्स्ट नेम आ चुका है, आई थिंक कुछ हम लोगों से वहां पर गलती हो गई है, तो जस्ट करेक्ट करते हैं उसको पहले। सो गाइज, मैंने प्रॉब्लम जो थी उसको फिक्स कर दिया है। वो हुआ ये था कि फॉर्म में हम लोगों ने 2 बार मतलब फर्स्ट नेम का सेक्शन डाल दिया था और 1 बार ईमेल का। तो फिर से इसको इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं। सो यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करूंगा सेट लिस्ट में, और सेट लिस्ट में क्लिक करने के बाद ये होगा पॉपअप, और इसको हम लोग फिर से ऐड कर देंगे फेसबुक ईबुक में। और ऐड करते ही यू कैन सी कि फर्स्ट नेम और ईमेल दोनों इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। देखो एक चीज और है यहाँ पर, गेट इंस्टेंट एक्सेस में हम लोग थोड़ा सा अलग यहाँ पर कुछ लिखेंगे। सो लेट्स करेक्ट दिस फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पर ढूंढते हैं हम लोग कि कहाँ पर है इसका हेडलाइंस। तो सब हेडलाइंस नहीं, हमें हेडलाइंस चाहिए, तो यहाँ पर गेट इंस्टेंट एक्सेस में हम लोग कुछ और लिखेंगे, लाइक गेट योर योर फ्री कॉपी नाउ, ओके गाइज। तो ये चीज हम लोग लिखेंगे। और एक चीज और गाइज, इसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं, राइट। यहां पर हम लोगों को एक टैक्स ऐड करना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि भाई आपको जो आपका ईमेल मिलेगा, जो भी आपका बुक मिलेगा, वो आपको सीधा आपके ईमेल पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना अच्छा रहेगा, अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, मैं लिखना चाहूंगा, बिकॉज मुझे लोगों को बताना है कि आपका जो ई बुक है वो आपको सीधा सीधा आपके ईमेल पे मिलेगा, ओके। तो इससे क्या होगा कि लोग आपको सही ईमेल डालेंगे, वो थोड़ी गलती नहीं करेंगे, और सही से उनके पास आपकी वैल्यू जो भी आप दे रहे हो वो उनके पास पहुंचेगी, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, मैंने सेटअप कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसको सेव पे क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे। अब नाउ आपको जो मेन काम करना है, दैट इज लाइक जब भी कोई भी आएगा यहाँ पर और आपका सब्सक्रिप्शन फॉर्म जो है उसको फिल करेगा, तो उसको जो चीज मतलब मिलनी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या दे रहे हैं, गेट योर ई बुक एंड लर्न हाउ टू सेटअप फेसबुक एड्स। तो अब उनको ई बुक कैसे मिलेगी, राइट। उसके लिए आपको क्या सेटअप करना पड़ेगा, आपको अपना एक लिस्ट जो है, कैंपेन जो है, सीक्वेंस बोलते हैं जिसको, ईमेल सीक्वेंस, वो सेटअप करना पड़ेगा। तो अब आपको जाना पड़ेगा ईमेल सीक्वेंस पे। यहाँ पर देखो 2 फील्ड, यही फील्ड पे जो अपनी गलती हो गई थी, यहाँ हम लोगों ने 3 फील्ड कर दिया था। तो यहाँ पर बहुत सारे सीक्वेंस हैं ऑलरेडी मेरे पास, बट मुझे यहाँ पर एक नया सीक्वेंस क्रिएट करना है। तो क्रिएट न्यू पे मैं क्लिक करूंगा, और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है। तो आप डालोगे वही फेस बुक ई बुक्स, ओके। एंड लिस्ट को चूज करने बोल रहा है, तो हमारा वही लिस्ट है फेसबुक का जो अपने बनाया है, जिसमें अभी 0 सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करोगे, एंड आपको फ्यूचर यहाँ पर पूछ रहा है, 2 ऑप्शन देता है कि आपको क्या करंट सब्सक्राइबर को भेजना है या फ्यूचर सब्सक्राइबर को, या दोनों को, ठीक है। तो हमें क्या भेजना है, अभी हमारे पास कोई भी सब्सक्राइबर है ही नहीं हमारे लिस्ट में, तो हमें फ्यूचर सब्सक्राइबर को भेजना है। तो हम फ्यूचर सब्सक्राइबर को सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड एडिट सीक्वेंस ईमेल पे क्लिक करेंगे, राइट। तो देखो अब हो ये रहा है कि ये जो चीज है ये ईमेल से इंटीग्रेट हो चुकी है, ईमेल कैंपेन से इंटीग्रेट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो क्लिक करेगा उसको ये चीज जाएगी जो हम लोग यहाँ पर सेटअप करेंगे, ओके। तो
तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक फॉर्मेट है, मैं वो यहाँ पर सेटअप कर दूंगा, तो मैं उसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम भी बचे और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो मैं उसको पहले निकाल लेता हूँ। तो मेरे यहाँ सेटअप था वो मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया। अब याद रखो यहाँ पर आपको एक कैंपेन नेम लिखना है, ठीक है। तो कैंपेन नेम में हम लोग डाल देंगे फेसबुक एड्स कॉपी ई बुक, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तभी जाके लोग आपका ईमेल है जो खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है यूअर, ठीक है, व्हाट यूअर फ्री। अब देखो फ्री जब ज्यादा आप लिखोगे ना तो आपका जो मैसेज जो जाएगा, ईमेल जो जाएगा उनके इनबॉक्स में, उनके जीमेल में या कहीं पर भी जो सब ईमेल वो यूज करते हैं, तो उसमें स्पैम में चले जाएगा अगर आप फ्री लिखोगे, बिकॉज जो जीमेल है वो सोचता है कि फ्री मतलब स्पैम, तो स्पैम में फेंक देगा। तो आपको फ्री कैसे लिखना है, एफ को दूर लिखना है और आर डबल ई को दूर लिखना है, ठीक है। तो आपको लिखना है यूअर फ्री एफबी एड्स ई बुक, राइट। बस ये लिखना है। अब क्या होगा, जब लोग देखेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, ओके। जब भी उनके ईमेल में ये चीज जाएगी वो देखेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, अरे क्या चीज है देखते हैं, ठीक है। तो आप उनको ये चीज भेजोगे। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो, जो भी उसका नेम है, एफ नेम कोड होता है, टैग होता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नेम आ जाता है जिसको भी आप भेजते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लिक हियर एंड गेट योर ई बुक नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, गेट योर फ्री फेसबुक एड्स लर्निंग ई बुक नाउ, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्लिक हियर में मेरा पहले का लिंक एक है, बट यहाँ पर मुझे नया लिंक लगाना है। तो मैंने देखो यहाँ पर गूगल ड्राइव में जो चीज मैं देने वाला हूँ लोगों को फ्री में, फेसबुक एड्स की ई बुक देने वाला हूँ, तो ये फेसबुक एड्स की जो ई बुक है, ठीक है, ये जो ई बुक है इसका लिंक मुझे वहां पर डालना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। तो वो चीज अभी मैं यहाँ पर सेटअप करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेट करते हैं। मैंने गूगल ड्राइव से अपना जो ई बुक मैंने बनाया है वहां पर उसका लिंक ले लिया है और यहाँ पर डाल दिया हूँ शेयरिंग, और इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो लिंक हो चुकी है, यहाँ पर मेरा टेलीग्राम का लिंक है। एंड अब मैं इसको यहाँ पर पहले, तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लूंगा, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि सेव करने के बाद ये डायरेक्ट क्या होता है कि डायरेक्ट ओमिट हो जाता है, मिट जाता है और आपको फिर से लिखना पड़ता है। तो पहले इसको आप कॉपी कर लेना एंड देन उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। जैसे डन पे क्लिक करोगे, आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है। डन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर 00 सेंड दिखाता है, तो अब फिर से आपको वापस जाना है, ठीक है। एडिट द सीक्वेंस आपको फिर से क्लिक करना है और वापस जाना है। अब यहाँ वापस आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो डेट बताया है कि कब आप इसको सेंड करना चाहते हो। तो हम लोग फ्यूचर सब्सक्राइबर को सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, आफ्टर सब्सक्रिप्शन, और इसका टाइम हम लोग दे देंगे 1 मिनट। इन 1 मिनट मतलब कि जैसे ही कोई भी सब्सक्राइब करेगा उसके 1 मिनट बाद ये चीज उसके पास ड्राइव हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कर देंगे सेव चेंज और इसको हम लोग करेंगे एक्टिवेट। अभी मैं एक्टिवेट भी करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसको बस क्या करना है, क्लिक कर देना है एक्टिवेट में। जैसे ही एक्टिवेट में क्लिक करोगे ये चीज एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्टिवेट हो गया, 1 मिनट बाद हो गया। अब हम लोग इसको ओके कर देंगे, ओके। तो अब आ गई चेकिंग की बारी, अब हम लोग इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये मेरा पहले से ओपन है ये लिंक, जहां पर मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ, जहाँ लोगों को मैं फ्री में वैल्यू दे रहा हूँ फेसबुक एड्स ई बुक की। तो ये ओपन हो रहा है 1 मिनट, और फिर मैं आपको सीधा सब्सक्राइब करके दिखाता हूँ कि क्या ये चीज मेरे पास पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती है। तो फर्स्ट नेम पे मैं डाल दूंगा तौहीद, ओके। फर्स्ट नेम पे मैं डाल देता हूँ तौहीद, और मेरा एक ईमेल है वो ईमेल मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तौहीद अहमद 11@gmail.com, ठीक है। तो ये मेरा ईमेल है, यहाँ पुट कर देता हूँ और गेट योर फ्री कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ। एक गलती हो गई है, सॉरी। जैसे यहाँ पर आप कोई भी क्लिक करेगा गेट योर फ्री कॉपी, तो वो कहाँ जाएगा वो चीज हम लोग को यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बटन में हम लोगों को सबसे पहले वो सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बटन देखते हैं, बटन का ऑप्शन कहाँ है। तो गाइस देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, पेंडिंग सब्सक्राइब, पेंडिंग सब्सक्राइब, कंफर्म एंड अनसब्सक्राइब। जब कोई सब्सक्राइबर मतलब कि आप जब डबल ओटीपी डालोगे तो वो पेंडिंग रहता है जब तक वो कंफर्म नहीं करता लिंक को अपने इनबॉक्स में जाके, तो वो कहाँ जाएगा। तो अभी तक कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर भी, तो
सब्सक्राइब होने के बाद भी कोई ऑप्शन नहीं है, और जब कोई आपके लिस्ट को अनसब्सक्राइब करेगा तो वो कहाँ जाएगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक अपनी एफिलेट लिंक लगा दूंगा, जब भी कोई भी सब्सक्राइब करेगा तब भी उधर ही जाएगा, अनसब्सक्राइब करेगा तब भी उधर ही जाएगा, जो भी करेगा वो उधर ही जाएगा मेरे ऑफर पे, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि इससे ये होगा कि मुझे मेरी चीजें भी सेल होंगी, मेरा जो भी एफिलेट है वो भी सेल होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं तीनों चीज में, एंड यहां पर भी लगा देते हैं, एंड सेलेक्ट करते हैं एंड सेव पे क्लिक कर देते हैं, ओके। एंड ये हो चुका है। अब यहां पर हम लोग उसे एक बार और कर देते हैं सेव, और लिस्ट कंफर्म कर देते हैं, ये हो गई कंफर्म। अब गाइज अगेन हम लोग इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या चीजें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद नीचे मैं अपना एक ईमेल डाल देता हूँ जिसमें वो चीज मुझे रिसीव हो और आपको समझ में आ जाए कि चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो जैसे भी जिसको भी आप ये लिंक भेजोगे वहां तक पहुंचेगी, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेगा गेट यूअर फ्री कॉपी नाउ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा गेट यूअर फ्री कॉपी नाउ पे, तो मैं जो है वो ड्राइव हो जाऊंगा एक एफिलिएट ऑफर पे, और जो ई बुक है मेरी वो मुझे मिल जाएगी मेरे ईमेल पे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर मेरा एक प्रोडक्ट है $1 डील, तो यहाँ पर तुरंत मैं ड्राइव हो जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ, बस ये पेज ओपन हो रहा है, तो देखो ये यहाँ मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। अब ईमेल पे चलते हैं और चेक करते हैं क्या हमको ईबुक मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। तो मैं ईमेल ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मुझे ईबुक मिल गई है, ओके। सो गाइस देखो मुझे यहाँ पर न्यू एक ईमेल रिसीव हुआ है अभी, देखो 4:25 पे, यू कैन सी हियर राइट। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा मुझे अंदर ईबुक मिल गई होगी। अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा मेरी ईबुक मुझे ओपन यहाँ पर मिल जाएगी। तो गाइज ये होता है पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस पूरा ऐसे काम करता है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए, अगर आप मेरे जो अपकमिंग वेबिनार्स मैं करता हूँ उसमें आप पार्ट लेना चाहते हो तो नीचे एक लिंक मिलेगी वेबिनार, फ्री वेबिनार रजिस्ट्रेशन का, आप जाके वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और मेरे किसी भी फ्री वेबिनार में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके ईमेल पे मेल चले जाएगा जब भी मेरा वेबिनार होगा, तो आप जाके वहाँ फ्री रजिस्टर कर सकते हो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो और रजिस्टर करो। और प्लीज जो हमारा माइलस्टोन है जो हम लोग हिट करना चाहते हैं 20 के सब्सक्राइबर एज सुन एज पॉसिबल, सो प्लीज गाइस आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी ये वीडियो और आप और लगता है आपको कि अब आप अपनी ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर लोगे, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, एंड प्लीज 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 सपोर्ट दिस चैनल बिकॉज इट इज योर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।